हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड, अभी टाइम हो गया है 3 और मैं 1 बजे उठाऊँ। मतलब रूटीन तो फ्रेंड इतनी गंदी वाली हो गई है, पता नहीं क्या करें। हाँ, लॉकडाउन से पहले का जो रूटीन हुआ करता था, ये मेरा कम से कम समझो 1 साल से चल रहा है। मतलब कि जब से लॉकडाउन, पहले भी लॉकडाउन हुआ था, ओपन तो हो गया था, लेकिन जो हमारा काम है ना फ्रेंड, डांस का, मतलब बच्चों से रिलेटेड ही है। स्कूल में जॉब किया करता था, स्कूल बंद हो गए तो मतलब कि तब से खाली बैठे समझ लो घर पे ही हूँ मैं तब से, अपना 1-1.5 साल से। और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी थोड़ी बहुत घर से, मतलब जो हो रहा था घर से ही हो रहा था। और फिटनेस की तो ऐसी की तैसी हो गई है, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। और क्योंकि पहले जब वेट हुआ करता था फ्रेंड, मेरा होता था 78-79 ऐसे हुआ करता, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना वेट। तो फ्रेंड, आप भी देख रहे हैं मेरा वेट कितना है। मैं देखो आपके सामने जा रहा हूँ इसके ऊपर, ये देखो, ये पूरा 90 kg। सो फ्रेंड, 12 किलो वेट जो हो गया है तो बढ़ गया है। तो मतलब ये ऐसा सा सीन हो गया है। तो अभी टारगेट हमने रखा है पतले होने का, और पता नहीं क्या क्या बना रही है शालिनी। मैं कुछ भी बना के खिलाने की सोच लू, पर इन्होंने बाहर का खा के, बाहर का तो अब कर देना नहीं, अब तो है भी नहीं और मैं खा भी नहीं सकता। बाहर का तो पूरा ऑलमोस्ट बंद ही करा हुआ है। हाँ। तो अब वो ऑप्शन तो रहा ही नहीं है। सुबह बनाती है शालिनी पोहा और रात को 3 बजे 8 खुलती है, तो ये खा रहे होते हैं मैगी। तो इनको बताओ कि वेट नहीं, मैगी भी होगा। मैगी से पे चलो कंट्रोल करेंगे। अब टारगेट जो रखा है कि 1 मंथ में, ज्यादा टफ नहीं रखते, 5 kg का रखते हैं, 5 किलो का, 5 किलो कम करने हैं। 5 किलो भी वैसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब यह बैठे बैठे लगती है भूख। हाँ, घर बैठे और वेले बैठने के बाद तो ज्यादा रखती है। सही बताओ तो वेले बैठ के क्या करना है, बैठे बैठे बस खाई जाओ ये चलता रहता है। हरंश की ड्राइंग चल रही है। हरंश क्या चल रहा है, पिक्चर बनाया है। वाह, हरंश फोन से निकाल लेगा पिक्चर्स और देखेगा। क्या बात है। तो फ्रेंड, वेट लूज की बात हो ही रही थी अभी यहाँ पे। और देखो शालिनी बनाना शेक ले आई है मेरे लिए, कह रही बनाना शेक पिला के ना मैं वेट। मैंने और अपने अंश के लिए बनाया था, पर इसको देख के इनकी जीभ लप-लप कर रही थी। तो वेट लूज का तो चलो आज से सोचा था ना, तो ये पी लेता हूँ। इसके बाद से बनाना शेक मत दियो मेरे को, पहले बता रहा हूँ मैं। आप ले ले बताना। आवाज है, थोड़ी सेवा कर दे पापा की। सेवा कर दे। मैं कुछ नहीं, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। हो क्या रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है। चाचू हमारे लिए घोड़ा नहीं, ये वेट कम करने की निंजा टेक्निक है, और जिसमें मैं पिसा जा रहा हूँ वेट कम करने के चक्कर में। ऐसे वेट तो कम नहीं होगा, एक आधी हड्डी जरूर कम हो जाएगी। ये जो घोड़ा है ना, घोड़ा तुम जिस तरह से इन्हें पेल रहे हो ना, गधा बन रहे। बैलेंस फिर मैं बैठती हूँ। घोड़ा चलो, घोड़ा और तेरा पलाव है। घोड़ा चलने को ये चल रहा है, रेंग रहा है घोड़ा। बोला घोड़ा होता है ना जिसके ऊपर बैठते हैं गोल गोल, वो गिराता है। Yeah.
हेलो, ये इंसान हमको खेलने नहीं दे रहा है। मैं तांत्रिक विद्या से खेल रहा हूँ कैरम बोर्ड। इन दोनों की टीम चल रही है। तांत्रिक विद्या, ये देखो, देखा मेरा बेटा, ये देखो वो जीत रहा है। तो ये टच भी नहीं होगी ये टीम, ये देखा। ये रानी, और ये बैग गिटी मेरे को लेके जानी है, और ये चार पांच डायरेक्ट टोटका लेकर आ गए। चार पांच नहीं, हम दो ही है। यहाँ से लकी खींचूंगा, ठीक है? सामने से ले शॉट, देख शॉट, दुनिया देखेगी अब ये शॉट। शॉट तो नहीं, पॉट। ठीक है। एंड चलो मैं आपको डोरा का वेट दिखाता हूँ। मैं काफी टाइम से उसको सिखा रहा हूँ वेट करना, मतलब कि एक जगह पे खड़ी हो जाए और मैं बुलाऊं तभी आए। हाँ आ रहा हूँ। बाय कर दो, बाय बाय से बाय।